आईपीएल 2024 में सुनील नरेन की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने सबको मेसमराइज कर दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सुनील नरेन बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अब बैक टू बैक शानदार परफॉर्मेंसेस के बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि सुनील नरेन T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज का हिस्सा हो सकते हैं। एक्चुअली सुनील नरेन इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि T20 वर्ल्ड कप में वो खेल सकते हैं। खैर, अब इस दिग्गज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी वापसी का बड़ा अपडेट दिया है। सुनील ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया कि वो T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज का हिस्सा नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने साफ किया कि अब उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का कोई इरादा नहीं है। सुनील नरेन ने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरे हालिया परफॉर्मेंसेस के बाद काफी सारे लोगों का मानना था कि मैं दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करूंगा और वेस्टइंडीज के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी नहीं करूंगा। T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। साथ ही सुनील आगे लिखते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के लिए शुभकामनाएं। मैं टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज को जीतता हुआ देखना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि जिन खिलाड़ियों ने हालिया वक्त में मेहनत किया है, उन खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिले और एक बार फिर वेस्टइंडीज T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बने। इस तरह सुनील नरेन ने साफ कर दिया कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी नहीं करेंगे। दरअसल ऐसा माना जा रहा था कि IPL में शानदार प्रदर्शन के बाद सुनील नरेन T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन अब खुद सुनील नरेन ने इन कयासों को खारिज कर दिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।